बिहार की राजधानी पटना में अब वाहन चलाने को लेकर नया निर्देश जारी कर दिया गया है। पटना के जिलाधिकारी ने साफ साफ कह दिया है कि अब राजधानी में 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगनी चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि पटना की हवा दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है। इसलिए डीएम ने अधिकारियों से भी कह दिया है कि रोड पर ऐसी गाड़ियों को किसी भी हाल में नहीं चलने देना है, चाहे वो स्कूली वाहन हो या फिर पुलिस की जीप ही क्यों ना हो। अब पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि डीएम ने अपने इस निर्देश में और क्या कुछ कहा है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पटना के डीएम ने मातहतों को ये निर्देश दिए हैं कि 15 साल से अधिक पुराने वाहन पटना की सड़कों पर ना चलने पाएं। इन वाहनों में व्यावसायिक वाहन, निजी वाहन, दो पहिया और चार पहिया यानी कि सभी तरह के वाहन शामिल हैं। ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 15 साल पुराने स्कूल के बसों, थाना के जीप और कॉम्फेड के पुराने वाहनों के व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्कूलों में चलने वाले अन्य गाड़ियों का भी फिटनेस और प्रदूषण जांच कराने का निर्देश दिया गया है। वे शहर के 50 से अधिक निजी विद्यालयों के प्राचार्य और प्रबंधक के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे, जिस दौरान पटना के जिलाधिकारी ने ये सारे निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूल के प्राचार्यों से स्कूल में चलने वाली बसों को सीएनजी में कन्वर्ट करने का सुझाव दिया है, ताकि शहरी क्षेत्र में डीजल बसों को आने वाले समय में हटाया जा सके। वहीं वर्तमान समय में निजी विद्यालयों के द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों के फिटनेस कराने और प्रदूषण अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं को प्रदूषण से बचाव संबंधित विभिन्न उपायों के बारे में बताने का भी निर्देश दिया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव इसका ना पड़े। डीएम ने निर्देश दिया है कि नगर निगम को सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा पानी पटाना होगा। वहीं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को जागरूकता से संबंधित फ्लैग्स, पोस्टर आदि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके बाद डीएम ने शहर के आम लोगों से पीक आवर के दौरान बिना काम घर से बाहर नहीं निकलने, घरों के आसपास पानी का छिड़काव करने की अपील की है, ताकि सड़कों पर लगाने वाले जाम के दौरान वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके साथ ही डीएम ने निर्माण एजेंसियों को ढककर कंस्ट्रक्शन वर्क करने का निर्देश दिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित एजेंसियों को बालू गिट्टी का ढककर ढुलाई करने, नगर निगम को कचरा आदि का ढककर ढोने और कचरा प्वाइंट या अन्य जगहों पर कचरा जलाने पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया है। अब पटना में ये बात तो तय है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगा दी जाएगी, जिसे लेकर डीएम ने निर्देश दे दिया है। हालांकि पटना ही नहीं, बिहार के कई और भी जिले हैं जहां पर प्रदूषण जो है अनियंत्रित होता जा रहा है, और वहां भी इस तरह की कवायद जो है हो सकती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।